Hello students, consider a container . I'm going to fill this container with a liquid up to certain height . अब इस लिक्विड में सर्टेन पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं। 1, 2, 3। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। लुक एट पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर जितना लिक्विड लेवल है उसके वजह से पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर एग्जर्ट होगा। लुक एट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जितना लिक्विड लेवल प्रेजेंट है उसके वजह से पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर एग्जर्ट होगा। लुक एट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जितना लिक्विड लेवल प्रेजेंट है उसके वजह से पॉइंट नंबर 3 पे भी प्रेशर एग्जर्ट होगा। दैट मींस टू ईच एंड एवरी पॉइंट इन द लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है। हमने रेफरेंस के लिए सिर्फ 3 ही पॉइंट लिए हुए हैं। But let me tell you, there are n number of points inside the liquid. हर एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है। Can't we apply the same basic to our atmosphere? Let's say this is our planet Earth. Okay. एक particular region तक atmosphere है। Beyond that region, there is presence of vacuum. कोई atmosphere नहीं है वहां पे। But if we talk about this much region, यहां पे तो atmosphere है। एक point यहां ले लेते हैं, यहां, यहां। We can take n number of points. Okay? We can take a point here, we can take a point over here. For every point in this atmosphere, pressure exert होने वाला है। Similar to that, अब हमें ये एटमॉस्फियर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझना है। द वेरी फर्स्ट पर्सन वॉज साइंटिस्ट टॉरिसेली, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली हमें समझाया हाउ टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो डिवाइस को उन्होंने यूज किया दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल मर्क्यूरी बैरोमीटर। बैरो द नेम हैज कम फ्रॉम बैरिक। बैरिक का मतलब होता है प्रेशर। अ डिवाइस दैट कैन मेजर प्रेशर इज सिंपली अ बैरोमीटर। एंड इस डिवाइस में हम मर्क्यूरी लिक्विड को यूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मर्क्यूरी बैरोमीटर। ये आज हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स। Once we are done with mercury barometer, जिससे हम atmospheric pressure calculate करना सीखेंगे, we can also understand open tube manometer. Okay, open tube manometer. By the way, जिस devices से हम pressure measure करते हैं, वैसे devices को कहा जाता है प्रेशर मीटर्स। प्रेशर गेज एंड इवन दे आर कॉल्ड एज वैक्यूम गेज। सो ये दोनों बेटा मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड ओपन ट्यूब बैरोमीटर क्या हुआ, दे आर टाइप्स ऑफ प्रेशर मीटर्स, also called as pressure gauges, also called as vacuum gauges. अभी हम mercury barometer पढ़ रहे हैं। Now we are studying mercury barometer.
पहले इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लेते हैं, जैसा टॉरिसेली सर ने किया था, एंड देन हम ये भी समझ सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग दिस मर्क्यूरी बैरोमीटर। वी हैव टू कंसिडर अ स्मॉल डिश, फिल इट पार्शली विथ मर्क्यूरी। पार्शली पे ध्यान देना बेटा। देन कंसिडर अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर इन लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। फिल दिस ट्यूब कंप्लीटली विथ मर्क्यूरी अप टू द टॉप। इस पर ध्यान देना बेटा। देन वी हैव टू इन्वर्ट दिस ग्लास ट्यूब इन साइड दिस डिश। आफ्टर दैट डायग्राम लुक्स लाइक दिस। ये इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, वेन वी इन्वर्ट दिस ग्लास ट्यूब इन दिस डिश, कांट आई से सर्टेन अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी विल फ्लो इनसाइड दिस डिश। मतलब यहां पे ओनली फ्यू मर्क्यूरी वेपर्स विल बी प्रेजेंट। दिस इज नियरली वैक्यूम। इसे टॉरिसेली सर के ऑनर में नाम दिया जाता है, टॉरिसेलीस वैक्यूम। नियरली देर इज प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम हियर। ओके, पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। वी कैन यूज अ ब्लू मार्कर फॉर दैट। पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहां पे पॉइंट बी बेटा, पॉइंट सी। स्टूडेंट्स, कांट आई से प्रेशर एट पॉइंट ए इज जीरो, बिकॉज ए के ऊपर तो वैक्यूम है। वैक्यूम कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा? जीरो। कैन आई से प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस मच कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। आई विल डिनोट हाइट ऑफ दिस मर्क्यूरी कॉलम बाय एच। सो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस मच लिक्विड कॉलम, दिस मच मर्क्यूरी कॉलम। सो दैट फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज टेकन एज एच रो जी। एच इज हाइट ऑफ दिस मच लेवल ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। रो डिनोट्स डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विच इज 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। स्मॉल जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डेफिनेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट ए, बट प्रेशर एट पॉइंट ए इज जीरो बिकॉज ऑफ दैट वैक्यूम कंडीशन। प्लस एच रो जी एज इट इज, जीरो प्लस एच रो जी विल डेफिनेटली गिव यू एच रो जी। सो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू एच रो जी। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। जब दो पॉइंट्स एक ही लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं तो उनपे प्रेशर सेम एक्ट होता है। सो प्रेशर एट पॉइंट बी एंड प्रेशर एट पॉइंट सी आर सेम, बट
प्रेशर एट पॉइंट भी हम जानते हैं इक्वेशन नंबर वन से, एच रो जी होता है। व्हाट अबाउट प्रेशर एट पॉइंट सी? द ओनली प्रेशर एक्टिंग ऑन पॉइंट सी इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, जिसे मैं पी नॉट से डिनोट करूंगा। बेटा पॉइंट सी इज ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद एयर इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो पॉइंट सी जो है वो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे है, उसके ऊपर सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, जिसे हम पी नॉट से डिनोट कर रहे हैं। सो पी सी शुड बी रिप्लेस बाय पी नॉट। दैट मीन्स वी गॉट दिस फॉर्मूला फॉर पी नॉट। पी नॉट इज इक्वल्स टू एच रो जी, एटमोस्फेरिक प्रेशर। पी नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एच रो जी, वॉट इज एच? हाइट ऑफ दिस मच मर्क्यूरी कॉलम, रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पी नॉट इज इक्वल्स टू एच रो जी। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं बैरोमीटर में, वी आर कंपेयरिंग दिस मच प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम विथ एटमोस्फेरिक प्रेशर। जितना प्रेशर इतने लेवल के मर्क्यूरी कॉलम का होगा, एग्जैक्टली सेम जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। पी नॉट इज इक्वल्स टू एच रो जी, इतना नोट करो और बता रहा हूं मैं इसके बारे में। In mercury barometer, we got expression for P naught. P naught, atmospheric pressure, is equals to H rho g at normal atmospheric pressure. Mercury column kitna rise dikhayega? 0.76 meter. This is the rise of liquid column provided we are using mercury. So, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ऑफ एच जी ऑफ मर्क्यूरी। रो डिनोट्स डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विच इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, स्मॉल जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच हैज टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको याद होगा जब हमने ग्लास ट्यूब के बारे में थोड़ा स्टडी किया था, दैट ग्लास ट्यूब विच वी आर कंसिडरिंग ओवर हियर शुड बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ 1 मीटर लेंथ, बिकॉज ऑफ जो एच हमें मिलने वाला है 0.76 मीटर ऑफ एच जी। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सर इन केस हम मर्क्यूरी यूज ना करते, इफ वी कुड हैव यूज्ड द लिक्विड जिसका डेंसिटी मर्क्यूरी से कम है। यू कैन ऑब्जर्व फॉर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, इट इज सुपर, बट बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है मर्क्यूरी का। इन केस हम कोई ऐसा लिक्विड यूज करते जिसका डेंसिटी मर्क्यूरी से कम होता, तो बेटा अगर रो का वैल्यू आप डिक्रीज कर दोगे, पी नॉट तो सेम रहेगा ना, तो जो एच है उसका वैल्यू बढ़ेगा। एंड इट माइट हैपन दैट लेंथ ऑफ द ग्लास ट्यूब कैन बिकम इनसफिशियंट, दैट इज द रीजन इट इज प्रेफरेबल टू यूज मर्क्यूरी ओवर हियर। सो हमारे पास वैल्यूज है, हमारे पास एच है, हमारे पास रो है, हमारे पास जी है एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज वी गॉट स्टूडेंट्स पी नॉट इज इक्वल्स टू एच रो जी 0.76 मीटर ऑफ एच जी इंटू 13,600 के जी पर मीटर क्यूब इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So expression will look like this, P naught is equals to 0.76 into 13,600 into 9.8. When we solve na beta, we get 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. P naught, this is your normal atmospheric pressure, P naught, 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. इसे हम कह सकते हैं पी नॉट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
सो पास्कल कैन बी रिप्लेस बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों सेम ही होते हैं स्टूडेंट्स। इसे हम कह सकते हैं 1.013 इंटू 10^6 सीजीएस यूनिट ना बेटा, डाइंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम कह सकते हैं 1.013 बार, बिकॉज 1 बार इज इक्विवेलेंट टू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो पी नॉट कैन ऑल्सो बी टेकन एज 1.013 बार। स्टूडेंट्स हमने कहा 0.76 मीटर ऑफ एच जी, कांट आई से, चलो पहले ये लिख लेते 0.76 मीटर ऑफ एच जी। हाँ मैं कह रहा था कांट आई से दिस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है ना। कांट आई से दिस इज 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी बेटा, एंड 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी को कहा जाता है 1 टॉर। सो 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी का मतलब क्या हुआ, 760 टॉर। सो दीज आर द नंबर्स विच आर क्वाइट सेम, दे आर रिलेटेड टू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक प्रॉपर सीक्वेंस में मैं आपको लिखवा दूं सो दैट आप इजीली इसे याद कर सको। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट इज टेकन एज 180 बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है 1.013 इंटू 10^5 पास्कल, ये होता है 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज 1.013 इंटू 10^6 वी गेट डाइंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम कहते हैं 1.013 बार, इसे हम कहते हैं बेटा 760 टॉर, ठीक है ना, ये 760 टॉर। इसे हम कहते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी मर्क्यूरी, इसे हम कहते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी बेटा, इसे हम कहते हैं 0.76 मीटर ऑफ एच जी। सब एक ही है ना, दिस आर द नंबर्स विच विल हेल्प यू टू फाइंड आउट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। Now we are studying open tube manometer. This open tube manometer measures difference in pressure. This is popularly called as gauge pressure. Difference in pressure, gauge pressure find out karna hai hum ओपन ट्यूब मैनोमीटर को यूज करेंगे। लेट्स से देयर इज अ सिस्टम जिसका प्रेशर है पी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज टू बी पी नॉट। हमें पी फाइंड आउट नहीं करना है, हमें पी नॉट फाइंड आउट नहीं करना है, हमें डायरेक्टली पी माइनस पी नॉट चाहिए बेटा, मतलब हमें डायरेक्टली गेज प्रेशर चाहिए, हमें डायरेक्टली डिफरेंस इन प्रेशर चाहिए। दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू यूज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। This open tube manometer consists of a U-tube. First limb of U-tube, limb number 2 of U-tube. One end of this U-tube is open to atmosphere. नाम देखिए बेटा, open tube manometer. One end of this U-tube, यानी जो first limb है U-tube का, this is kept open to atmosphere. मतलब This is free surface of the liquid. The surface of the liquid in contact with air is called as free surface of the liquid. इसके ऊपर act होने वाला है atmospheric pressure, जिसे हम P naught से denote कर सकते हैं. Okay. Let's say students, ये जो point है, point, कौन सा वाला point? जो free surface of the liquid के ऊपर है, that point is taken as A beta. अब हमें यहां पे लिक्विड कौन सा लेना है? इन केस ऑफ बैरोमीटर हमने कॉन्सेप्ट समझा,
हम ऐसा लिक्विड यूज करेंगे जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, एंड दैट इज मर्क्यूरी. बट इन केस ऑफ मैनोमीटर वी आर गोइंग टू यूज अ लिक्विड जिसका डेंसिटी कम होगा. इट कैन बी वॉटर, इट कैन बी केरोसिन. बेटा लो डेंसिटी लिक्विड लेना है कहां? मैनोमीटर में. वॉटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केरोसिन का डेंसिटी होता है 0.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आप इसे ऐसा यूनिट में डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं. वॉटर का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 1000 kg per meter cube. एंड फॉर केरोसिन जो डेंसिटी है वो हो जाएगा 810 kg per meter cube. आई रिपीट बेटा, बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज करना है जिसका डेंसिटी ज्यादा? एग्जाम्पल किसका लिया हमने? मर्क्यूरी. मैनोमीटर में कौन सा लिक्विड लेना है जिसका डेंसिटी ज्यादा या कम? कम. वॉटर चलेगा या फिर केरोसिन चलेगा, मर्क्यूरी यहां नहीं चलेगा. डेंसिटी का वैल्यू मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिया. So in this U-tube, we have to fill a low density liquid like water or maybe kerosene. अब ये जो लिक्विड हम ब्लू वाला देख पा रहे हैं, this is basically a low density liquid. Okay. अब हम क्या करेंगे? दो पॉइंट जो सेम लेवल पे है, एक ये दूसरा ये बेटा, ये दोनों जो पॉइंट है they are at the same level. इनको मैं नाम देना चाहूंगा, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी. जो हमारा सिस्टम है, दैट सिस्टम इज टेकन एज डी. ये जो सिस्टम डी है, इसका जो प्रेशर है बेटा, ये है पी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? पी नॉट. सिस्टम का प्रेशर क्या है? पी. मैनोमीटर पढ़ रहे स्टूडेंट्स हम, क्या फाइंड आउट करना है? पी फाइंड आउट करना है, P नॉट फाइंड आउट करना है, या P माइनस P नॉट फाइंड आउट करना है? डेफिनेटली P माइनस P नॉट फाइंड आउट करना है. इतना समझेगा ना? सो आवर रिक्वायरमेंट इज P माइनस P नॉट. नोट करो ये. रिक्वायरमेंट पे ध्यान दो बेटा. We have to find out difference of pressure ना, P minus P naught. P naught किसका प्रेशर है? एटमोस्फेरिक प्रेशर है. P किसका प्रेशर है बेटा? सिस्टम का प्रेशर है. We have to find out गेज प्रेशर, difference in pressure. That is P minus P naught is how much for us right now. हम कौन से डिवाइस की बात कर रहे हैं, बैरोमीटर या मैनोमीटर? मैनोमीटर. ये कौन सा मैनोमीटर है? ओपन ट्यूब मैनोमीटर. ओके स्टूडेंट्स, कैन आई से प्रेशर एट पॉइंट ए इज नथिंग बट एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट. पॉइंट ए इज ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. कौन सा लिक्विड? लो डेंसिटी लिक्विड. इट कैन बी वॉटर, इट कैन बी केरोसिन. पॉइंट ए इज लोकेटेड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, सो उसके ऊपर सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, मतलब पी नॉट. प्रेशर एक्टिंग ऑन पॉइंट ए इज नथिंग बट ओनली एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर वन. हाउ टू फाइंड आउट प्रेशर एट पॉइंट बी स्टूडेंट्स? प्रेशर एट पॉइंट बी होने वाला है प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस मच लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम. क्या लेवल है इसका? एच बेटा. एज कंपेयर टू सी बेटा, आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो समझेगा, सी एंड बी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए के बीच जो डिस्टेंस है, दैट इज एच. सो हाउ टू फाइंड आउट प्रेशर एट पॉइंट बी? प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस pressure due to this much level of liquid column. And pressure due to liquid column होता है h rho g. h rho g बेटा, h rho g, h हमारे पास liquid level है, rho जो है वो liquid का density, and small g is acceleration due to gravity.
कांता इसे यूजिंग इक्वेशन नंबर वन हम पी ए को पी नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं. सो वी से पी बी प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट ए दैट इज पी नॉट प्लस एच रो जी. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर टू. नाउ स्टूडेंट्स कैन आई से पॉइंट बी एंड पॉइंट सी are at the same horizontal level in the same liquid. So if there are two points in dono ka horizontal level same hai, same liquid mein, dono pe pressure same hota hai beta. So PB is equals to PC. Let's say this is equation number 3. So what we can do now? We can use equation 2 and 3 students. Equation 2 mein jahan PB hai, hum PC likh sakte hai using equation number 3. So PC is equals to P naught plus H rho G. Pressure at point C is equals to atmospheric pressure P naught plus H rho G. ठीक है ना भाई? Equation number 4. Students हमने Pascal's law ठीक से पढ़ा था. हमने Pascal's law में ये समझा. The pressure applied to any point of the enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and to the walls of the vessel, provided the effect of gravity is neglected. Check for this point and this system. Bacho, yahan pe hum log Pascal's law apply kar sakte hain. The pressure applied to any point of the enclosed fluid at rest, hydrostatics पढ़ रहे हम, at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and to the walls of the vessel, provided the effect of gravity is neglected. So using Pascal's law मैं कह सकता हूँ, जो pressure system का है, वही pressure point C पे होगा. And बेटा सिस्टम का प्रेशर तो पी है. सो प्रेशर एट पॉइंट सी विल मैच विद प्रेशर ऑफ द सिस्टम विच इज डेफिनेटली प्रेशर ऑफ सिस्टम डी विच इज नथिंग बट पी. सो स्टूडेंट्स प्रेशर एट पॉइंट सी को मैं प्रेशर एट डी यानी प्रेशर ऑफ सिस्टम डी यानी पी से रिप्लेस कर सकता हूं. पी इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी. So we can rearrange this. We get P minus P naught is equals to H rho G. अरे भाई गॉज प्रेशर है ना ये. P minus P naught is equals to H rho G बेटा. Pressure of the system P, atmospheric pressure P naught, difference of pressure, gauge pressure P minus P naught is equals to H rho G. What is H? Difference in the liquid level in the two limbs. H बच्चों. What is rho? Density of the liquid and g is your acceleration due to gravity 9.8 meter per second square. Now there is a viva question. Why in case of manometer hum aisa liquid prefer kar rahe hai jiska density kam hai, water and kerosene jaisa. Few minutes ago I explained you about barometer beta. Wahan pe hume higher density wala liquid lena hai, that is the reason humne wahan pe mercury use kiya. But in case of manometer, we purposely select a liquid जिसका density कम होगा, ज़्यादा नहीं, कम होगा। बेटा जब density कम वाला liquid हम select करेंगे, तो जो हमें h है, h मतलब जो difference in liquid level in the two limbs, वो ज़्यादा मिलेगा। And जितना h हमें ज़्यादा मिलेगा students, उतना हमारा difference in pressure का जो value है, वो accurate होगा। हम ये रीडिंग को एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे. दैट इज द रीजन इन केस ऑफ मैनोमीटर वी यूज अ लो डेंसिटी लिक्विड लाइक वाटर और केरोसिन. फॉर्मूला है बेटा पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी. यूजिंग ओपन ट्यूब मैनोमीटर हमने गेज प्रेशर फाइंड आउट कर लिया पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी.